और आप देख रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग राय। इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस प्रकार से आप ट्रेंडिंग इमेज बनाएं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। सबसे पहले हम आएंगे क्रोम के ऊपर और यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर के ऊपर हम आएंगे। आने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे इमेज क्रिएटर जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे और जिस प्रकार का हम इमेज बनाना चाहते हैं यहाँ पर हम लिख देंगे। मैंने पहले से लिख रखा है तो आप लिख लेंगे और इसका जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लेंगे और जनरेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये देखिए पिक्चर आ चुका है, यहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड हो गया। अगर आपको ये पिक्चर नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, तो फिर से हम जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पिक्चर चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं दूसरा यहाँ पर जनरेट करूँगा। ये देखिए पिक्चर अच्छा लग रहा है तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद हम दूसरे वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। इसका नाम है रीमेकर। यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेंगे, आपको यहाँ पर 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर फेस स्वीप के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने एक पॉइंट को यूज कर लिया है पहले से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे जो से आपको इमेज चाहिए। मैंने जो इमेज डाउनलोड किया था और अपना पिक्चर जो फेस स्वीप करना चाहते हैं वो पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर देंगे और यहाँ पर स्वीप के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर 30.3 मिलते हैं। ये देखिए हो चुका है, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमको दूसरा और चाहिए, यहाँ से हम दूसरे पिक्चर को यहाँ पर डाल रहे हैं जो मैंने पहले बार लिया था और फिर से इसको स्वीप कर रहे हैं। ये देखिए बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर इसको हम भी डाउनलोड कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।